पहले तो आज हम बात करते हैं कि सबसे मुश्किल काम क्या है इस लाइफ में। सबसे मुश्किल काम है अपने दिमाग पे कंट्रोल पाना, क्योंकि अगर आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं है ना, तो आप चीज़ें भी ऊटपटांग करेंगे, अपने शरीर पे भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। और इससे भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने दिमाग पे एक अच्छा कंट्रोल पाना। अच्छा कंट्रोल मतलब वो शांत रहे, आप हमेशा पॉजिटिव सोचते रहें। जब हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जन्म लेती है, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम बड़े से बड़ी चीज़ करने को तैयार हैं, बड़े से चीज़। लेकिन होता है क्या, हमें एक छोटी सी चीज़ ना झंझोड़ देती है, एक नेगेटिव थॉट्स, एक छोटी सी नेगेटिव सिचुएशन हमें अंदर तक झंझोड़ देती है। अब इशू ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम 2400 घंटा, सातों दिन और 365 दिन पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। बेस्ट बेस्ट जब आपके अंदर पॉजिटिव व्यूज़ हैं, जब तो है ही। अब बात करते हैं जब नेगेटिव व्यूज़ हैं, वो पॉजिटिव वाला ग्राफ नीचे ना जा पाए। वो पॉजिटिव वाला ग्राफ नीचे क्यों नहीं जाएगा भाई? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आपने मुझे 5000 रुपये उधार लिए और मैं लेके भाग गया। आप मुझे रास्ते मिले, मैंने आपकी पिटाई कर दी। आप रास्ते से जा रहे थे, मैंने पीछे से गाड़ी ठोक दी। अब हमें इन तीनों सिचुएशन से भी पॉजिटिव सीखना, क्योंकि हम एक बार ही नेगेटिव की तरफ ढले, यार उसने तो ये कर दिया, उसने तो वो कर दिया, तो हमारा अपना लॉस है। अब क्वेश्चन ये उठता है, इस नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रहें? अगर हम ये सीख लेना कि हमें इस नेगेटिव लेसन से क्या मिला है, और हमें आगे से इन गलत चीज़ों या गलत लोगों का शिकार नहीं होना, और हम हर माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ से, चाहे जितनी भी बुरी हो, उससे पॉजिटिव सीख लेते हैं, तो हम अपने पॉजिटिव ग्राफ को मेंटेन कर सकते हैं। और अगर हम अपने पॉजिटिव ग्राफ को मेंटेन कर गए, ये हमने हफ्ता, 10 दिन, महीना, साल कर लिया, बिलीव मी, कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको अपने गोल से रोक सके। यू आर अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल।